हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का संगीताक्षरी में बहुत 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 स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि स्वर के लेवल को अगर हम समझ जाते हैं तो हम कोई भी गाना बड़ी आराम से बजा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे उसका अगला प्रोसेस कि स्वर के लेवल को हम कैसे समझें। ठीक है, तो जैसे आरोह और अवरोह आप जान रहे होंगे, हम कोई अलंकार करते हैं या कोई पलटा करते हैं तो उसमें आरोह और अवरोह करते हैं। चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और उतरते हुए क्रम को अवरोह करते हैं। आप सभी जानते होंगे जैसे सारी गम पध निसा, ये आरोह हो गया, अवरोह होगा उतरता हुआ क्रम। सानी द प म ग रे सा, तो ये आरोह और अवरोह हो गया। अब इसमें हमें लेवल को समझना है। जैसे सा से रे का लेवल, रे से ग का लेवल, ग से म का, म से प का, प से ध का, ध से नि का, और नि से फिर तार सप्तक के सा का। ठीक है, तो जैसे सा रे, अब हम बजा नहीं रहे हैं, रे बोल रहे हैं, सा करेक्ट है, लेकिन बिना बजाए हुए रे को सा रे सा रे। अब चेक करेंगे कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सा रे, तो ये लेवल हमको चेक करना है। सा रे आ, यानी कितना आवाज ज्यादा लगाना पड़ रहा है सा से रे बोलने में। ठीक है, और फिर सा रे गा गा गा, हम बजा नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। अब उसको देखना है, चेक करना है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सा रे गा, तो सही लग रहा है। उसी तरह हमको एक एक स्वर का लेवल चेक करते चलना है, देखते चलना है कि हम जो लगा रहे हैं वह सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। सा से ग हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, जैसे सा गा, सा गा। तो अगर आप पहली पहली बार कर रहे हैं और अभी अभ्यास करना शुरू किए हैं तो आपसे हो सकता है नहीं लगेगा, एक बार दो बार में नहीं लगेगा, उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो पहले बजा करके चेक करें और फिर बिना बजाए हुए पहले बजा लें सा गा, फिर बिना बजाए हुए बजाएं सा गा गा। अब ये क्या हुआ, ये लेवल जो है सा से रे का, रे से ग का, ग से म का, म से प का, या फिर सा से डायरेक्ट ग का, सा से डायरेक्ट म का, सा से डायरेक्ट प का, ये आपको अपने अंदर बिठाना है। इस दूरी को, स्वर की दूरी को जो है अपने अंदर बैठाना है, और जब यह अंदर बैठने लगेगा, जो आपको समझ में आने लगेगा कि सा से डायरेक्ट प की दूरी कितनी है, सा से डायरेक्ट ध की दूरी कितनी है, सा से डायरेक्ट तार सप्तक के सा की दूरी कितनी है। ठीक है, और मान लो कि ये तो आरोह हो गया आपका चढ़ता हुआ क्रम, जैसे सा रे गा म प ध नि सा ग सा प सा ध सा सा।
तो ये तो चढ़ता हुआ क्रम हो गया, यानी आरोह हो गया, इसका लेवल आप समझ लिए। अब उतरते हुए क्रम को हम देखेंगे और उसमें अपना लेवल देखेंगे। जैसे सा सानी सा सानी सा नी, थोड़ा सा अंतर है सा और नी के स्वर में, तो इस चीज को समझना। जैसे सा सा नी नी, ये है नी सा नी सा द सा द सा द सा पा सा पा। अब इसको चेक करें, सा पा सही सही लग रहा है। तो आपसे उतना जल्दी नहीं होगा, आप अगर अभी अभ्यास कर रहे हैं तो जल्दी नहीं होगा, लेकिन इसको करना है, पहले बजा के करना है, फिर बिना बजाए हुए करना है। सा पा सा मा सा गा सा रे सा सा। तो ये आरोह में भी और अवरोह में भी इस लेवल को आपको समझना है। सा से रे के, रे से गा की, गा से मा की, मा से पा की, ये एक सप्तक में आपको खूब अभ्यास करना है, हर एक स्वर से हर एक स्वर का। मान लो कि हम इसको सामान लिए हैं, लेकिन इसमें हमको म से और ध की दूरी को देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो सा हम दबाए, सा सा मा, तो लग गया सा मा सा मा। अब सा सा म और ध तीनों बोलना है, सा म तो म लग रहा है, सा म सा द लग गया, सा म द सा सा, यानी हर एक स्वर से हर एक स्वर के, सा से म की, फिर म से ध का ले ले, प से सा का ले ले, सा से फिर प का ले ले, नी से फिर म का ले ले, ध से फिर रे का ले ले, यानी हर एक स्वर से हर एक स्वर को लगाने का आपको अभ्यास करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने लगाया सा और हमें सा प सा प द डा म, तो क्या होगा, डा म पा पा रे पा रे पा रे पा रे ग पा ग पा ग पा ग प म म लग रहा है कि नहीं, देखेंगे म म नी म नी म नी म सा। तो हर एक स्वर से हर एक स्वर की दूरी को जब हम पहचान जाएंगे, स्वर हमारा सही सही लगने लगेगा, यानी स्वर के लेवल को हम समझ जाएंगे कि स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर की दूरी कितनी है, तो कोई भी गाना बड़ी ही आसानी से हम बजा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, तो पहली काली को हमने सा मान लिया, यानी पहली काली से इस गाने को गाना है, तो हमारा ये
आपको स्वर का क्रम बन गया चढ़ने और उतरने का, नहीं मतलब कितना स्वर चढ़ रहा है कितना स्वर उतर रहा है। दूसरी को बनाएंगे तो बदल जाएगा, तीसरी को बनाएंगे तो बदल जाएगा, चौथी को बनाएंगे तो बदल जाएगा। अब इसी गाने को मान लो हमें चौथी से काली से गाना है, तो चौथी काली से गाना है तो क्या होगा, तुम दिल के, तुम दिल के धड़कन में रहते हो, रहते हो। तो बदल गया, यानी स्वर का लेवल ऊंचा हो गया। पहले से हम गा रहे थे तो नीचा था, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। स्वर का लेवल ऊंचा हुआ तो क्या हो गया, तुम दिल के धड़कन में रहते हो, रहते हो। इसी लेवल को हमें समझना है कि हम जिस स्वर को अपना सा मान करके किसी गाने को गा रहे हैं, और अगर हमारा स्वर बदल जाता है, ऊंचा हमको गाना है, तो कैसे इस बटन में हमको चेंजिंग लाना होगा। तो उसका लेवल मान लो कि इसको हमने सा माना है तो इसके अनुसार हमारा स्वर का लेवल बढ़ेगा, इसको सा मान लिया तो इसके अनुसार स्वर का लेवल बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस लेवल को आपको समझना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो भी बातें बताई गई हैं वो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक प्यारा से कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।